रानी पद्मावती पे आधारित संजय लीला बंसाली द्वारा एक मूवी बनाई जा रही है और वो बन के तैयार हो चुकी है और रिलीज डेट है 1 दिसंबर। मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 दिसंबर को ये मूवी रिलीज हो रही है, जिसके लिए करनी राजपूत सेना ने एक बहुत ही बड़ा नेशन वाइड भारत बंद की घोषणा की है कि 1 दिसंबर को इस मूवी को हिंदुस्तान में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। काफी सारी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं अलग अलग पार्टीज द्वारा। अगर हम कहें राजपूत पार्टीज या फिर बाकी हिंदू पार्टीज जितनी भी हैं, सभी लोग इस चीज में सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि किसी भी डायरेक्टर को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी हिस्ट्री को त्रोड़ मरोड़ के पेश करे। तो फिलहाल इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा से प्रेसिडेंट नारायण सिंह जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जम्मू से किस तरह का उनका स्टैंड रहेगा पद्मावती मूवी को लेकर। नारायण सिंह जी, आपका स्वागत है यू फॉर यू वॉइस में। सर, पद्मावती मूवी की बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री हमेशा से ही जो भी मूवी किसी भी हिस्ट्री पे आधारित होती है उसके वो लेकर हमेशा विवादों में रहती है, और इस बार विवाद नया है रानी पद्मावती के ऊपर जो मूवी बनाई गई है, क्या कहना है? देखिए, ये तो 47 के बाद ही जो हमारी हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। अगर इन्होंने कोई फिल्म बनानी भी है, मैं समझता हूँ कि ये आम जो लोग हैं उनकी जो भावनाओं को मद्देनजर रखकर इन्होंने फिल्म बनानी चाहिए। ठीक है, अगर ये फिल्म बनाते हैं उसका नाम पद्मावती ही क्यों, ये कोई और नाम रखकर इस फिल्म को चला सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर इस ढंग से ये अपना उस फिल्म की पब्लिसिटी के लिए ये लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ ये लोग खेलते हैं, और ये 47 से ये खेलते आए, और उसके पीछे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ये साजिश के तहत जो हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और जो हमारा नौजवान है उसको ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारी जो बेसिक जो हमारी हिस्ट्री है उसको ये पूरी तरीके से ये लोगों को नहीं दिखाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो विद्रोह इस फिल्म के लिए जो चल रहा है ये बिल्कुल जायज है, और हम भी यहाँ अपनी स्टेट में इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, चाहे जिस भी ये जितने भी हमारे जम्मू और कश्मीर के जो सिनेमा हॉल हैं, हम उन धारकों को ये आगाह कर देना चाहते हैं कि अगर ये फिल्म यहाँ चली तो उसकी जिम्मेवारी उन पर खुद होगी। सर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से आपने बात की है ताकि इस तरह का माहौल ना ही हो, यहाँ पे फिल्म ना ही रिलीज की जाए। देखिए, ये तो एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर लोगों में ये आक्रोश है इस फिल्म पर, तो सरकार का ये दायित्व बनता है, क्योंकि तो ये चुनी हुई सरकार, लोगों की चुनी हुई सरकार जो है ये हमारी भी स्टेट में है, और ये उनका दायित्व बनता है कि लोगों की जो उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखकर इस मूवी पर उन्होंने बैन करना चाहिए। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्यों इस तरह की मूवीज बनती हैं जिससे किसी एक, मतलब अगर हम बात करें किसी भी स्टेट ऑफ सोसाइटी को जानबूझ के उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है और उसके बाद लोग जो हैं सड़कों पर निकलते हैं? देखिए, ये सिर्फ पैसे कमाने का एक साधन है उनका, वो ये लोग जो फिल्में बनाते हैं इनका और किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता, चाहे उसमें वो फिल्म के हीरो हैं या फिल्म की हीरोइन है या फिल्म इंडस्ट्री है, इनका एक ही मकसद होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो पैसे हैं वो किस ढंग से हम कमा पाए, चाहे उसके लिए किसी के भी ये सेंटिमेंट्स दांव पर लगा देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बार जो लोग हैं जो सड़कों पर आए हैं, पूरा हिंदू समाज जो है इसके लिए खड़ा हुआ है, और आने वाले समय में हम इनको ये चेतावनी देंगे कि ऐसी जो फिल्में हैं इन पर जो इन पर अपना ध्यान ही इनको बांटना चाहिए, ये रियलिटी लाएं। अब ये जैसे पीछे इन्होंने एक फिल्म योद्धा अकबर तैयार की, वो कहाँ हिस्ट्री पर आधारित थी, लेकिन उस समय भी लोगों ने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे जब ये अब ये हद ही हो चुकी है, रानी पद्मावती जी का जो उन्होंने जोर किया है, अगर आप हिस्ट्री देखें तो पता चलता है कि रानी पद्मावती जी ने किस ढंग से अपनी बाकी जितनी भी वहां उनकी और बाकी रानियां थी और जो उनकी दासी थी उनके साथ उन्होंने जोर किया है, और वहां चित्तौड़गढ़ में हर साल इतना बड़ा वो कार्यक्रम जो जोर श्रद्धांजलि समारोह होता है, और इनको उसकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, और इस ढंग से ये लोग उस हिस्ट्री को लोगों में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत बात है, और इसके लिए पूरा समाज जो है, खासकर हमारा राजपूत समाज और उसके साथ जितना भी हमारा हिंदू समाज है, वो बिल्कुल
तैयार है और इस फिल्म को हम किसी भी कीमत पर ये रिलीज नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जो राजपूत करनी सेना के प्रधान है लोकेंद्र सिंह कालवी, उन्होंने एक थ्रेट भी दी है जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि दीपिका पादुकोण को ये फिल्म करनी ही नहीं चाहिए थी, अब उन्होंने की है तो उन्होंने काफी सारी थ्रेट्स भी दी हैं, जिसके जवाब में दीपिका पादुकोण ने यह भी कहा है कि नेशन जो है काफी रिग्रेसिव अपने आप को शो कर रहा है, जिसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं लेस डेवलप्ड नेशन उन्होंने नेशन को कहा है, जो लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो फिलहाल विरोध हर किस्म के लोगों में है, क्यों हिस्ट्री के साथ इस तरह का मजाक किया जाता है? अगर फिल्म इंडस्ट्री को किसी तरह की मूवी बनानी भी है तो वो हिस्ट्री को उसी तरह से पेश किया जाए जिस तरह से वो हिस्ट्री है, ना कि उसको किसी ना किसी तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। आशीष कोहली, कैमरामैन संदीप सिंह के साथ, यू फॉर यू वॉइस के लिए।